कई बातों को अनदेखा कर देते हैं और वो हमारी गलती हमारी ज़िंदगी की सबसे बड़ी भूल बन जाती है। आज हम आपको बॉलीवुड की वन ऑफ द मोस्ट लविंग कपल ऐश्वर्या और अभिषेक की उस गलती से रूबरू कराएंगे जिसके कारण ऐश्वर्या और अभिषेक की तलाक की अफवाहें उड़ने लगी थी। रूमर्स ऑफ डाइवोर्स सोशल मीडिया से लेकर बॉलीवुड टाउन तक बी टाउन में टॉक ऑफ द टाउन बनी हुई थी। आज हम आपको बताना चाहेंगे किस तरह से अभिषेक और ऐश्वर्या का तलाक हुआ नहीं लेकिन तलाक को लेकर काफ़ी ज़्यादा हंगामा मच गया था और उनके चाहने वाले काफ़ी हैरान भी रह गए थे। ऐश्वर्या और अभिषेक डाइवोर्स रूमर्स की पूरी सच्चाई आज हम आपके बीच लेकर आएंगे। दरअसल वो हरकतें जो उस कपल की ज़िंदगी की भूल बनी। जी हाँ, आज हम बच्चन परिवार के वन ऑफ द मोस्ट लविंग ऐश्वर्या अभिषेक की बात कर रहे हैं। फिल्म गुरु से लेकर रावण तक दोनों ने एक दूसरे के साथ रोमांस किया और अपनी फिल्मों से पहचान तो नहीं लेकिन रियल लाइफ में अपनी लव स्टोरी की वजह से इनकी पहचान अलग बनी। ऐसे में आज ऐश्वर्या परफेक्ट बहू परफेक्ट वाइफ एंड परफेक्ट सुपर मॉम तो कहलाती हैं लेकिन परफेक्ट वाइफ होने के साथ ऐश्वर्या कई बार परफेक्ट सेलिब्रिटी हैं। इसके कारण पब्लिक फिगर होने के कारण उन्हें अपनी खुले किताब की तरह ज़िंदगी के कई किस्सों से सालों तक जूझना पड़ता है। तलाक की खबरें तब आने लगी थी जब ऐसी परिस्थिति दोनों के बीच आ गई जिससे वो दोनों अछूत नहीं रहे। दरअसल मुश्किलों में एक दूसरे का साथ हमेशा देने वाले इन दोनों के बीच एक मतभेद थी। अभिषेक ने एक ऐसी गलती की जिसके बाद ऐश्वर्या काफ़ी एम्बेरस हुई थी। फिल्म सरबजीत की स्क्रीनिंग के मौके पर ऐश्वर्या अभिषेक एक दूसरे के साथ थे लेकिन अभिषेक ने ऐश्वर्या के साथ कैमरा के सामने पोज देने से इनकार किया और सीधा वो उन्हें इग्नोर कर आगे चल पड़े। फिर क्या, अभिषेक ने कहा आप इनकी फ़ोटो ले लो और फिर ऐश्वर्या के सामने अभिषेक का ये बयान उनके और उनकी पत्नी के बीच अलगाव और तलाक की अफवाहों को जन्म दे गया और तब से ही ऐश्वर्या अभिषेक की डाइवोर्स की रूमर्स उड़ी जिसके बाद अभिषेक ने इस पर स्टेटमेंट भी दिया। अगर डाइवोर्स हो रही है तो कौन है वो मेरी दूसरी वाइफ, मैं जानना चाहूँगा क्यों हो रही है दूसरी शादी की बात, डाइवोर्स कब हो रही है मेरी। इस पर अभिषेक ने रिएक्ट भी किया था। नेक्स्ट 9 न्यूज़ रूम से तृप्ति की रिपोर्ट।